टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी नारपोली पुलिस ने ड्राई फ्रूट और ऑयल की चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भिवंडी बड़गांव के पास यूनिवर्सल कॉरपोरेशन नामक एक गोडाउन है और इसमें काम करने वाले कर्मचारियों ने डुप्लीकेट चाबी बनवाकर 6 टन करीब 20 लाख रुपए का ऑयल और ड्राई फ्रूट चोरी करके बेच दिया था। इसके बाद इस गोडाउन के मालिक ने शिकायत की और पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो गोडाउन में ही काम करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का करीब 90% माल भी बरामद किया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। एक और आरोपी की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। नारपोली पुलिस स्टेशन के एरिया में वड़गांव भिवंडी डापोड़ा रोड पर एक यूनिवर्सल कॉरपोरेशन करके एक वेयर हाउस है, उसमें ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ में ऑलिव ऑयल, इसका जो ये होता है गोडाउन में माल रिजर्व किया जाता है, वो माल का वहाँ के कुछ कर्मचारी लोगों ने डुप्लीकेट चाबी बना के कुछ आरोपी लोगों को सौंप दिया और उसमें वो आरोपी लोगों ने टेम्पो में भरकर कम से कम 6 टन ऑयलिव ऑयल और बाकी ड्राई फ्रूट्स ये सब चोरी किया था। ये गुनाह हुआ था 7/4/2022 को और इसके बारे में जब मालिक को पता चला यूनिवर्सल कॉरपोरेशन के, तो उसने 14/4/2022 को नारपोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था। उस कंप्लेंट के ऊपर से हमारे एपीआई चेतन पाटिल डिटेक्शन ब्रांच के इन्होंने कुछ तांत्रिक विश्लेषण और कुछ सीसीटीवी फुटेज का कलेक्शन और उसके बाद में कुछ लोकल जो इन्फॉर्मेंट रहते हैं उनके तरफ तपास करने के बाद में कुछ लोगों को पकड़ लिया और 4 लोगों को पकड़ कर उनके तरफ से ये जो चोरी हुआ था माल, वो 18/4/22 को जो चोरी हुआ और माल हुआ था उसमें से 90% माल मीन्स 6,000 लीटर में से 5,000 लीटर ऑलिव ऑयल और बाकी सब ड्राई फ्रूट्स के प्रोडक्ट्स ये सब जब्त किए और कम से कम ये 20 लाख की चोरी रजिस्टर हुई थी, उसमें से 17 लाख का माल अभी तक रिकवर हुआ है। बाकी कुछ एक दो आरोपी निष्पन्न होने के चांसेस है, उनके तरफ से भी बाकी माल रिकवर हो जाएगा। सच्ची लोगों का इंटेंशन क्या था? ये 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और एक आरोपी को अरेस्ट होने के चांसेस है। और ये जो है इनमें से जो 4 आरोपी है उसमें से 2 लोगों ने जो काम करते कंपनी में उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए आरोपी नंबर 3 को मदद किया था और वो आरोपी ने फिर वो गुने को अंजाम दिया था।